इधर बहरौर में सीबीएसई से संबद्ध निजी स्कूलों में प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों को पढ़ाए जाने को लेकर अभिभावक नाराज हैं। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन कमीशनखोरी के चक्कर में एनसीईआरटी की किताबों से नहीं पढ़ाता। अप्रैल के महीने में हर उस अभिभावक के माथे पर बल पड़ जाता है जिनके बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। नए क्लास में दाखिले के लिए मोटी रकम तो देनी पड़ती है, उस पर तुर्रा ये कि किताब कॉपियों को खरीदने में भी पसीने छूट जाते हैं। बहरोड के अभिभावक इसलिए नाराज हैं क्योंकि इन्हें प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें खरीदने को मजबूर किया जा रहा है। इनका आरोप है कि निजी स्कूल कमीशन खोरी के चक्कर में एनसीईआरटी की किताबों की जगह प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें पढ़ाते हैं, जो गुणवत्ता के लिहाज से घटिया हैं और नियमानुसार गलत। हमारे समाज का दुर्भाग्य मानता हूं, बच्चों को उनके अभिभावकों को बाध्य होकर एक दुकान विशेष से वो किताबें खरीदनी पड़े और उसकी 10-10, 20-20 गुनी कीमत चुकानी पड़े। इस सीबीएसई स्कूलों को चाहिए कि वो इस पे अंकुश लगाएं, एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम ही लागू हो। एनसीईआरटी की जो किताबें 400-500 में मिल जाती हैं, उसके लिए 2.5 से 5 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं। हालांकि स्कूल संचालक इन आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखते। फायदा ये है कि भाई गरीब जनता है, उनके लिए जो है सस्ते दाम में किताबें मिल जाती हैं एनसीईआरटी की। लेकिन जहाँ तक मैटर का मामला है, उसके अंदर कंटेंट का मामला है, सब्जेक्ट का, उतनी डिटेल्स नहीं होती हैं। वहीं आंखें बंद किए बैठा शिक्षा विभाग शिकायत मिलने का इंतजार कर रहा है। सुनने में तो मेरे भी ऐसी बातें तो आई हैं, लेकिन लिखित में मेरे पास कोई ऐसी शिकायत अभी तक नहीं आई है। और यदि कोई इस तरह के लिखित में कोई शिकायत मिलती है या मिलेगी तो हम उसकी कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे। प्राइवेट पब्लिशर्स हर साल सिलेबस में बदलाव करते हैं ताकि कोई भी छात्र पुरानी किताब का इस्तेमाल न कर सके। होशियार यादव, सी मीडिया, बहरोड़।